हमें पता चल चुका है किसने काटे रोब्स, जब भी डीमन फिन बैलर रोब्स के ऊपर चढ़ गए थे और वो रोब्स टूट गए एंड वहां पर डीमन फिन बैलर नीचे गिर गए थे। आखिरकार कौन था उसके पीछे, या फिर ब्रे वाइट द फिंड थे या फिर कोई और? वीडियो में आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। हमारे हाथ वीडियो लग चुकी है, किसने काटी रोब्स जब भी डीमन फिन बैलर रोब्स के ऊपर चढ़ गए थे। तो देरी की बात की, चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को दबाए ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। तो कल के एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यूम ने मेन इवेंट में मैच हुआ था, डीमन फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। ये मैच वाकई मजेदार था और मैच देखने के भी काफी ज्यादा मजा आया। बट जैसे ही डीमन फिन बैलर रोब्स के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड जैसे ही मैच जीतने वाले थे एंड छलांग मारने वाले थे रोमन रेंस के ऊपर, वैसे रस्सी टूट जाती है एंड वो नीचे गिर जाते हैं। रोमन रेंस स्पेयर लगाकर डीमन फिन बैलर को हरा देते हैं और तभी से सबके मन में यही सवाल है कि रस्सी किसने काटी। सभी लोग कह रहे हैं कि वो ब्रे वाइट द फिंड है जिन्होंने रस्सी काटी और उनकी मैच होगी। तो दरअसल आप लोग ये सोच रहे हैं, ये गलत है, वो रस्सी ब्रे वाइट द फिंड ने भी नहीं काटी है। एंड बाकी लोग सोच रहे हैं कि वो रस्सी पॉल हेमन ने काटी, तो वो पॉल हेमन ने भी नहीं काटी। पॉल हेमन दरअसल वो रस्सी कटने के बाद वहां पर आए थे, वो दरअसल दूर ही खड़े थे पॉल हेमन और रस्सी कट गई थी वहां पर। वो रस्सी जो काटी वो ना कि पॉल हेमन ने काटी, ना ही ब्रे वाइट द फिन ने काटी, वो काटी WWE के एक स्टाफ ने जो कि है WWE का कैमरामैन। देखो WWE ने यहाँ पर दिमाग ये लगाया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ जैसे ही WWE को अपने प्लान को अंजाम देना था, जैसे ही रेड लाइट ऑन हो जाती है और वहां पर डीमन फिन बैलर और भी चार्ड अप हो जाते हैं और वहां पर वो मैच जीतने को जाते हैं, तो यहाँ पर देखो धुआं भी आता है और सब जगह रेड रेड हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ दिखता नहीं और यहाँ पर पूरा फोकस डीमन के ऊपर होता है। रिंग साइड हमें कुछ नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है, और उसी मौके का फायदा उठाया उस कैमरामैन ने और आए एंड वो जहाँ पर डीमन वहाँ पर रुके थे तो वहाँ पर उन्होंने चुपके से रस्सी काट दी और जैसे लाइट ऑन हो गई तो वो नीचे उतर गया जल्दी फटाफट। बट जो रिंग साइड जो ऑडियंस बैठी हुई थी उन्हीं में से एक जो मैच देखने आए थे उसने अपने मोबाइल में ये चीज़ रिकॉर्डिंग कर ली थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। एंड माना जा रहा है कि ये कोई WWE का कैमरामैन नहीं था, WWE का कोई स्टाफ ही था। इसे WWE ने मतलब एक रस्सी काटने के लिए रखा गया था वहां पर। काफी लोग ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि द फिंड का रिटर्न होगा और मैच होगा, तो देखो वो आ भी सकते हैं WWE और नहीं भी आ सकते। माना जा रहा है कि वो AEW में जाएंगे और ऐसा हो भी सकता है। देखो क्या होता हमें आगे ही पता चलेगा। तो ब्रे वाइट द फिंड के फैन के लिए तो काफी नाराज कर देने वाली बात हो गई, उन्हें तो लग रहा था कि ब्रे वाइट द फिंड होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। That's it, आपको पता चल गया होगा कि किसने काटी वो रस्सी। यही था जो कैमरामैन जो कि डीमन फिन बैलर ऊपर चढ़ गए थे और इसने काटी थी रोप एंड उसके वजह से डीमन फिन बैलर नीचे गिरे और मैच भी हारे। तो इसमें आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और तो चैनल पर पहली बार आया तो ऐसे ही मसालेदार वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भले आप रस्सी काटी है या फिर कैमरामैन को उठा के मारिए लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। और ऐसे ही WWE के अंदर की बात आपको जाननी है तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतने, गुड बाय, टेक केयर।